आज के समय में लोग नए नए बिजनेस के बारे में सोचते हैं और सभी ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस मिले जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो और उसमें पैसा हो। और यही जानने के लिए हमने रिसर्च की, लोगों से बात की, तो पता चला कि एक इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस का अभी बहुत स्कोप बाकी है और भारत में तो इस बिजनेस की डिमांड समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सभी को डिजिटल हो गया है और डिजिटल टाइम में बिजली का भी काम होता है जिसकी डिमांड इन्वर्टर बैटरी से पूरी करता है। क्योंकि आज के समय में बिजली के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि भारत में बिजली चले जाने के बाद उसकी जरूरत इन्वर्टर बैटरी के जरिए ही पूरी की जाती है, क्योंकि बिना बैटरी के हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्वर्टर बैटरी का उपयोग किया जाता है, जिसका बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, आज के हम बात करने वाले इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस के बारे में, जिसे आप दोस्तों कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट और लाइसेंस की जरूरत होगी, इसके अलावा कितनी आपकी लागत आने वाली, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हो, मैन पावर आपको कितनी रखनी होगी, कहाँ से आपको माल मिलेगा, इसके लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ पे इसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिए होगी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही दोस्तों कई सारे सवाल के जवाब दोस्तों आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में बताया गया हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये जान लेना चाहिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कि उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और उसकी आपको रिसर्च अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो यहाँ दोस्तों बात करें इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस के बारे में, इसकी मार्केट में कितनी डिमांड है। तो देखिए दोस्तों, भारत में इन्वर्टर बैटरी की डिमांड बहुत ज्यादा है और साल 2023 तक इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस $2 बिलियन के पार हो जाएगा, जो तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बिजली की बढ़ती मांग, बढ़ते शहरीकरण और सरकारी आवास योजनाओं के कारण बिजली बैकअप की चीजों में बहुत इजाफा हुआ है। आपको बता दें, इन्वर्टर बैटरी की डिमांड हमारे घर तक सीमित नहीं है, इसके अलावा इसका उपयोग हम अपनी कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए बैटरी का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब तो बैटरी से चलने वाली भी गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं मार्केट में, तो इससे पता लगता है कि बैटरी का इस्तेमाल हमारे जीवन में रोजाना होता है। तो जिस चीज का इस्तेमाल व्यक्ति रोजाना करना पड़ता हो तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है, इसलिए बैटरी के बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर टू, इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सही लोकेशन कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए दोस्तों, बैटरी के लिए आप बहुत ही आसानी से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। आप ऐसी लोकेशन देखें जहां पर लोगों का आना जाना बहुत लगा रहता हो, या फिर वहां आसपास मार्केट हो, या बहुत बड़ी कॉलोनी हो, क्योंकि आम कॉलोनियों में लाइट बहुत ज्यादा आती जाती रहती है, जिस कारण आपका बिजनेस चलने की ज्यादा उम्मीद रहती है और आपको यहीं से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। इसके लिए आपको जमीन की जरूरत होगी, जहां आपको एक गोदाम, मशीन चलाने के लिए जगह और एक ऑफिस के लिए जगह की जरूरत होती है, जो आपका मेन मार्केट में होना चाहिए, जहां से आप माल सेल करोगे, जिसमें आपका इन्वर्टर बैटरी दुकान के लिए 50 से 100 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए और गोदाम के लिए आपका 1000 से 1500 स्क्वायर फीट स्पेस होना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे बिजली पानी हो, सड़क सही हो, खराब ना हो, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। पॉइंट नंबर थ्री, इन्वर्टर बैटरी बिजनेस के लिए कच्चा माल और जरूरी मशीनरी कहां से खरीदें। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इन्वर्टर बैटरी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो आपको कच्चे माल के तौर पर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपका लीड प्लेट, सेपरेटर, एसिड, बैटरी बॉक्स, कार्टून बॉक्स और बेसिक टूल। तो ये सभी चीजें आपको खरीदनी होगी। इसके अलावा इन्वर्टर बैटरी बिजनेस के लिए जरूरी मशीनरी में आपको इस्तेमाल होने वाली मशीनें, जिसमें आपका हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन, पार्टीशन वेल्डिंग मशीन, रेसिस्टेंस टेस्टर मशीन, कवर सीलिंग मशीन, एयर लीकेज टेस्टर, एसिड फिलिंग मशीन, चार्जिंग यूनिट, वॉशिंग स्टेशन। तो ये सभी मशीनें आपको लेनी होगी। इसमें कच्चा माल आप दिल्ली से है तो दिल्ली में चांदनी चौक, करोलबाग जैसी मार्केट है, जहाँ से आप खरीद सकते हो। और ऐसे ही मार्केट दोस्तों सभी शहरों में है, वरना दोस्तों आप चाहो तो कच्चा माल और मशीनरी इंडिया मार्ट की वेबसाइट के जरिए भी आप मंगा सकते हो। नंबर फोर, इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको जीएसटी नंबर की जरूरत होगी, प्लस नगर निगम से पर्यावरण प्रदूषण का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, ताकि आप नियमों का पालन करते हुए अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और यही सर्टिफिकेट दोस्तों आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचाता है। इसके लिए आपको एक फर्म या कंपनी भी बनानी पड़ती है, प्लस ट्रेड लाइसेंस, उद्योग आधार, एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ये आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेने होंगे। अगर नहीं है तो दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवा लें। पॉइंट नंबर फाइव, इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी मैन पावर कितनी लगने वाली है और इन्वर्टर बैटरी कैसे बनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बिजनेस के लिए।
तो इसमें दोस्तों अगर आप छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हो तो आप एक दिन में 20 से 50 बैटरी बना सकते हैं। इसके लिए आपको लगभग 5 से 7 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी जिन्हें इस काम का पूरा अनुभव होना चाहिए। और इस बिजनेस को चलाने के लिए आपको बिजली की भी जरूरत होगी, जिसमें मशीन चलाने के लिए आपको 20 किलोवाट की जरूरत होगी। आप इन्वर्टर बैटरी कैसे बनाए, तो इन्वर्टर बैटरी बनाने के लिए आपको सभी कच्चे माल को एक जगह रखा जाता है, उसके बाद लीड प्लेट और बाकी माल को कंटेनर में भरा जाता है। उसके बाद इन हाई वोल्टेज टेस्टिंग मशीन के जरिए इनको चेक किया जाता है। चेकिंग के दौरान बैटरी में कहीं स्पार्क होता है तो मशीन उसको बाहर निकाल देती है। इन बैटरी में 6 लाइन की नेगेटिव और 6 लाइन की पॉजिटिव की रिपिंग की जाती है। फिर इन्हें इंस्ट्रा सेल की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। फिर इनको टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इनको पैक किया जाता है। पैक होने के बाद इनका एयर फिक चेक किया जाता है और सबको ठीक होने के बाद बैटरी को चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद इनका वोल्टेज और करंट चेक किया जाता है। फिर इनकी फाइनल पैकिंग होती है और मार्केट में भेजा जाता है। तो इस तरह दोस्तों बैटरी बनाई जाती है। पॉइंट नंबर 6, इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस के लिए दोस्तों मार्केटिंग कैसे करें और कैसे माल सेल करें। तो देखिए दोस्तों, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए ज्यादातर मार्केटिंग की जरूरत होती है। अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन दोस्तों आप टीवी चैनल, अखबार और बैनरों के जरिए से भी कर सकते हो। इसके अलावा मार्केटिंग नेट, सोशल मीडिया के जरिए से भी आप कर सकते हो, जो कि आज के टाइम में खूब चल रहा है। साथ ही दोस्तों आप ऑनलाइन भी अपनी एक वेबसाइट बनवाकर वेबसाइट से आप अपने बिजनेस के लिए बैटरी के ऑर्डर भी ले सकते हैं, जिससे आपके पास ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ऑर्डर आने भी लग जाएंगे। आप किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप इन दोनों वेबसाइट से जुड़कर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, बिना कहीं जाए माल बेच सकते हो और अपने बिजनेस के लिए दोस्तों ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप चाहो तो बैटरी पर कुछ ऑफर भी चला सकते हो, जिससे कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपकी कितनी लागत आने वाली है और कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत शुरू से करना चाहते हो तो इस यूनिट को लगाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। इसके लिए आप अपने बिजनेस की कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हो कि आप कितने बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते हो। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मशीनों की जरूरत होती है। इसमें सभी मशीनों की मार्केट में कीमत 6 से 7 लाख रुपए तक की है। इसके बाद आपका बाकी खर्च, जिसमें आपका जमीन, कच्चा माल, कर्मचारियों और यूनिट का सेटअप करने का होगा। तो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत होगी, अगर आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हो। और दोस्तों अगर आप इसे छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हो तो आपको 5 से 7 लाख रुपए की जरूरत होगी, जिसमें आपका काम हो जाएगा। अब बात करें इन्वर्टर बैटरी के बिजनेस में आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखा जाए तो आपको एक साथ ही में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप बैटरी सीधे फैक्ट्री से खरीदते हैं तो आपको एक बैटरी कार की 2500 से 4000 तक की मिलती है, और वही बैटरी आप मार्केट से खरीद लेते हैं तो आपको 6000 से 7000 तक की बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो इस तरह आप हर बैटरी पर 20 से 30% मार्जिन यानी कि 2000 से 3000 रुपए तक बचा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में दोस्तों रोज 10 बैटरी भी बेचते हो तो भी आपको एक दिन में कम से कम 20 से 30000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और अगर सही जगह आपको लोकेशन मिल जाती है तो आप और भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप इन्वर्टर बैटरी बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहेगा।